चार कारपोरेटरें की पूरी डिटेल दियो, कल हाउस ऊपर डिस्कशन है, अगर हाउस की डिस्कशन तो बाद कोई समाधान होता तो ठीक, नहीं होता तो तुम मेरे कश आओ, अस मैं थोड़े कश सर, हमारा मुद्दा ये है कि हम लोगों ने पिछले साल के भी जो काम किए हैं हमें उसकी भी पेमेंट नहीं मिली है, इस साल जो हम लोग काम कर रहे हैं उसकी पेमेंट हमें 3 साल में देनी थी गवर्नमेंट, 50, 25 और 25, पिछले साल की पेमेंट नहीं दी अभी इन्होंने, ठीक है, इस साल के 50 पैसे तो हैं, बाकी पैसे कहाँ हैं हमारे, हम इनसे पूछते हैं, हमारे पास कोई सुनवाई नहीं है लोगों के पास हमारी। आप बताएं कि जिस आदमी ने अगर 10 लाख का काम किया उसको आप 4 लाख रुपया दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करो बड़ी दूर बात चले जाते हैं, उसको 6 लाख भी फंसा हुआ है काम के पीछे, 6-6, 7-7 काम किए हुए, इतना पैसा, ये पैसा दे ही नहीं रहे तो हम लोग सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जीएमसी कमिश्नर की बोली कुछ और होती है, जॉइंट कमिश्नर की बोली कुछ और होती है, प्लानिंग वाले कुछ और बोलते हैं, इनका क्लियर स्टैंड नहीं है, जो आप पता करो तो पता कर लो। देखो मैं आज यहाँ जीएमसी में जो नए मेयर आए राजेंद्र शर्मा साहब, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और हमारे कुछ एक्स लेजिस्लेटर एमएलएज और एमएलसी हैं, विबोध गुप्ता साहब, रणवीर सिंह पठानिया साहब, कार्रवाई देखने के लिए, बाकी पार्टी के नेताओं को भी इन्होंने बुलाया था, सभी पार्टियों को, हम आए यहाँ। मैं देख रहा था कि क्वेश्चन आवर जब चल रहा था तो वहां बहुत सारे जो यहाँ कॉरपोरेटर्स हैं, ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स ने इस मामले को हाउस में उठाया था, आपको भी जानकारी होगी, मीडिया के बंधुओं ने भी वो सारी जानकारी दी, और कमिश्नर साहब ने उसका जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है कि शायद सारी वो इसको ले रहे हैं, ये सारे काम टेंडर वर्क और टेंडर वर्क से, तो फिर पेमेंट्स और पेमेंट डिपार्टमेंट के पास है सर, गवर्नमेंट का क्लियर ये है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे म्यूनिस्पाली दो पार्टों में बंटी हुई है, एक स्मार्ट सिटी में और एक बिना स्मार्ट में, जो स्मार्ट सिटी वाले काम खत्म करते हैं करोड़ों रुपए के, उनको पेमेंट नगद है, जब हमारी बारी आती है हमें यहाँ पे छोटे ठेकेदार, हमारा काम पेमेंट कितनी होगी, हमारी 5 करोड़ 10 करोड़, इतनी से ज्यादा म्यूनिस्पाली की पेमेंट नहीं है। आप जो नया सिस्टम चला है ना, पहले वो बीम पर पैसे आते हैं, टेंडर तभी लगेगा कि पैसे होंगे, पहले होता था कि बिना फंड्स के ही, बिना जब फंड्स एलोकेशन के बिना ही टेंडर कर दिए जाते थे, अभी भी ऐसा सर, इन्होंने टेंडर लगाए हैं 35-35 लाख के, स्मार्ट सिटी में नहीं आना है, उसके पैसे लोकल लोकल नहीं देना है, सारे जम्मू वाले की असली आके बाहर वाले आ गए, स्मार्ट सिटी पैसा नगद पे अज काम खत्म करिए, शामी पेमेंट आती मेयर साहब ने एक सेशन बुलाया स्पेशल, ये डिबेट डिस्कशन नहीं लगता कि तुम ये बाद एक बार मेयर साहब ने मिलो, कल कहने का एक तरीका होता है, इस तरीके से बोला गया यहाँ पे कि हमने कॉन्ट्रैक्टर से मिलना ही नहीं है, और कॉन्ट्रैक्टर से नहीं मिलना यहाँ पे काम कौन करेगा, मैं भी एमएलए रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी जेब से लगाता है तो चुने हुए जो एमएलए हो या कॉर्पोरेटर हो उनकी शान बढ़ाता है, यही हमने यही चीज चाहिए, म्यूनसिपलिटी में 100 में काम सारे के सारे डेवलपमेंट बंद हो जाएंगे, सारे बंद हो जाएंगे। चलो कल यहाँ इसकी आपके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मामलों पर डिबेट है, जैसे अभी एंटी ड्रग्स पॉलिसी के ऊपर डिबेट चल रही है, मैं वहां बैठा था, मैंने देखा कल, और मेयर साहब वहां एक कोई मेरे ख्याल में कोई इंडिपेंडेंट ऑन कॉरपोरेटर थे, उन्होंने आपका मामला जब उठाया तो उन्होंने कहा कि कल जो वर्क्स हुए हैं और जो नॉन पेमेंट है अभी
रिलीज नहीं हुई है ठेकेदारों की, कॉन्ट्रेक्टर्स की, और जिन्होंने काम किए हैं उनका मामला हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि वो कल करेंगे। अगर नहीं होता है तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आप एक दिन मेरे पास आ जाओ, मैं आपके साथ मेयर साहब के पास रहूंगा, और फिर अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी जाने की बात पड़ेगी फाइनेंस डिपार्टमेंट में चलेंगे। आपने टेंडर वर्क काम किया है, चोरी तो किसी ने की नहीं, और आपके बिल पास होंगे सारे। दो दो साल